हेलो स्टूडेंट, आई एम तमन्ना फ्रॉम विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भुना। वेलकम इन डे टू ऑफ क्लास 8 साइंस, चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। यस्टरडे वी हैव स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, एंड वी डिस्कस ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टूडे वी विल डिस्कस टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। Before discussing type of synthetic fiber, we will discuss the some questions of chapter number 2. Short answer type 2 questions. ये 4 questions आज discuss करेंगे हम। First question A part, how do virus differ from the microorganism? कि जो virus है वो other microorganism से different क्यों है? देखिए, जो वायरस है उनका साइज सबसे स्मॉल होगा, जो बैक्टीरिया है उससे भी छोटे होंगे, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वायरस का साइज उससे भी बहुत छोटा होता है। तो कैसे डिफरेंट है ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? बिकॉज वायरस आर स्मॉलर देन ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी का ही बी पार्ट है, व्हाट इज मीन्ट बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं कि जब हम ब्रेड या फिर कुछ भी फ्लफी चीज, ब्रेड केक बनाते हैं, तो हम उसमें ईस्ट ऐड करते हैं। ईस्ट के साथ हम उसमें क्या ऐड करते हैं? शुगर ऐड करते हैं, ताकि जो हमारा डो है वो अच्छी तरह से फ्लफी बन जाए। तो वहां होगा फर्मेंटेशन का प्रोसेस। होता क्या है फर्मेंटेशन में, ये हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फॉर बेकिंग ब्रेड ईस्ट अलोंग विद ए लिटिल शुगर इज मिक्स्ड विद फ्लोर टू मेक डो। तो क्या होता है, जब इसमें शुगर ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल फॉर्म होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन, जिसकी वजह से डो क्या बन जाएगा? फ्लफी बन जाएगा। जो डो फ्लफी बनेगा वो किसकी वजह से होगा? बिकॉज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल हो जाएगी, जिसकी वजह से उसमें एयर गैप्स बन जाएंगे और जो डो है वो फ्लफी बन जाएगा। तो डो के फ्लफी होने का प्रोसेस ही क्या है? फर्मेंटेशन। कैसे होगा? विद द ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल फॉर्म होंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। तो ये दिस एंड दिस आप क्या लिखोगे? फेयर नोटबुक में राइट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिसीजेज, नेम एनी टू डिसीजेज ईच कॉज्ड बाय वायरस एंड बैक्टीरिया। तो आपको क्या बताना है कि कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या है और वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली कम्युनिकेबल डिसीजेज के नेम बताना है। तो कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती हैं? जो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आने से होती हैं, या फिर एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू स्प्रेड होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेज। और वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली दो कम्युनिकेबल डिसीजेज कौन सी हैं? Here is the answer of question number 2. Microbial diseases that can spread from infected person to other healthy person through air, water, food, physical contact or by animals are called communicable diseases. देखिए, वायरस से होने वाली डिसीजेस कौन सी हैं? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोई भी 2 डिसीज है जिनके नेम आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस, टाइफाइड, कोलेरा, तो इनमें से कोई भी डिसीजेज आप राइट कर सकते हो, बट क्वेश्चन में क्या पूछा था? राइट ओनली 2 डिसीज। लेट्स वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज वैक्सीन, हाउ डज इट वर्क। वैक्सीन क्या है और ये कैसे काम करती हैं? देखिए, अ स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीकेंड डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स यूज टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीन। अगर हम एक स्मॉल डोज ले रहे हैं जो क्या करती है, हमारी बॉडी में ग्रो होने वाले माइक्रोब्स को किल कर देती है या उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी में वर्क कैसे करती है? देखिए, जब हम वैक्सीन को लेंगे, जब हमारी या फिर किसी हेल्दी पर्सन में वैक्सीन जाएगी, तो ये क्या करेगी? एक एंटीजन की तरह काम करेगी। तब जो पर्सन की बॉडी होगी वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगी, जो क्या करेगी? जो डिसीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें किल कर देगी और उनकी एंट्री को हमारी बॉडी में नहीं होने देगी। तो ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? हमारी बॉडी में ही रहते हैं और
जो डिसीज की वैक्सीन हमने ली है उसके जो माइक्रोब्स होते हैं उसको हमें इन्फेक्शन से रोकते हैं, मींस उस डिसीज के इन्फेक्शन से हमें ये रोकते हैं। जिस भी डिसीज की हमने वैक्सीन ली तो उसके एंटीजन हमारी बॉडी में रहेंगे और उस डिसीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में एंटर होने से रोकते रहेंगे, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो डिसीज हमें नहीं हो पाएगी। अब देखिए किस किस डिसीज की वैक्सीन बनी हुई है, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड टेटनस, पोलियो, इन सभी की वैक्सीन बनी हुई है, बट हमें तो ओनली यही लिखना है कि वैक्सीन जो है वो किस तरह से वर्क करती है, तो हमारा आंसर ओनली यहाँ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड हेल्प इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर प्लांट को या फिर एनिमल को किल कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं और हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसी पे बेस्ड टू क्वेश्चन इन्होंने आस्क किए हैं। फर्स्ट क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोंट परफॉर्म दिस फंक्शन। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका ढेर लगता रहेगा और जगह जगह पर हमें ऑर्गेनिक वेस्ट देखने को मिलेगा। तो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज नहीं कर रहे तो जगह जगह पर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट के ढेर लग जाएंगे, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने लगेंगी। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको अपने आप राइट करना है। नेक्स्ट है, बीइंग ए स्टूडेंट हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन, गिव टू वेज। मतलब कि आप अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखने में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई भी दो वे जिस तरह से आप एनवायरमेंट को क्लीन रख सकते हो वो आपको राइट करने हैं। अब हम स्टडी करते हैं लेसन 3, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देर आर मैनी टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सम ऑफ देम आर रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक फाइबर। मतलब कि बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स हैं, जिसमें से हम रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक फाइबर के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या है, रेयॉन। रेयॉन क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है जिसे वुड पल्प से तैयार किया जाता है। देखो वुड पल्प की हम केमिकल के साथ ट्रीटमेंट करेंगे जिससे फिर रेयॉन फैब्रिक तैयार किया जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, बट ये एक्चुअल सिल्क दिखता तो उसी सिल्क की तरह है, बट ये क्या है, एक्चुअल वाली सिल्क से चीपर होगा। ये क्या करता है, स्वेट को अब्सॉर्ब कर लेता है और ये हमें समर में भी कंफर्टेबली रहता है। अब है यूज ऑफ रेयॉन, कि रेयॉन का यूज कहाँ किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये इसका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए, और क्या, बेडशीट बनाने के लिए, ड्रेसेस, एप्रन्स, कैप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है इसका, ड्यूरेबल कारपेट्स, मतलब कि ज्यादा टाइम तक चलने वाले कारपेट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टायर कॉर्ड्स बनाने में, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बैंडेज बनाने में, या फिर लिंट्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग ऑफ वाउंड्स, मतलब कि सर्जिकल जो ड्रेसिंग होती है उन्हें बनाने में भी रेयॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। नायलॉन हमने कल भी स्टडी किया था जब हम पॉलीमराइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, कि नायलॉन क्या होते हैं, एमाइड के पॉलीमर, मीन्स पॉली एमाइड है, मोनोमर क्या है इनका, एमाइड, और नायलॉन क्लोथ्स क्या है, पॉली एमाइड। देखिए ये फर्स्ट मैनमेड फैब्रिक है जो बनाया गया था सिंथेटिक, जो था रेयॉन वो किससे बन रहा था, वुड पल्प से, तो वो क्या था, पूरी तरह से मैनमेड नहीं है, बिकॉज वो प्लांट से ही प्रिपेयर हो रहा था। नायलॉन इज फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय ह्यूमंस, इट इज पॉलीएमाइड फाइबर प्रिपेयर्ड बाय जॉइनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल्स। नायलॉन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लस्ट्रस है, हाईली इलास्टिक, एक्सट्रीमली फाइन, लाइट वेट, इजी टू वॉश, रिंकल फ्री, और ये क्या करता है, वाटर को भी अब्सॉर्ब नहीं करता एंड इज रेजिस्टेंस टू
फंगाई एंड मॉथ, मतलब कि इसके ऊपर फंगाई और मॉथ भी रिएक्ट नहीं कर सकते, और ये इट रिमेन इनसोल्यूबल इन द मोस्ट ऑफ कॉमन सॉल्वेंट, मतलब कि बहुत सारे सॉल्वेंट ऐसे हैं जिसमें ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। देखिए यूज ऑफ नाइलोन, नाइलोन की टेंसिल स्ट्रेंथ क्या है, हाई, इसीलिए इसका यूज फिशिंग नेट बनाने में किया जाता है, क्लाइंबिंग रोप बनाने में किया जाता है, पैराशूट्स फैब्रिक बनाने में, स्ट्रिंग्स फॉर स्पोर्ट्स, रैकेट्स, ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी नाइलोन का यूज किया जाता है, जो टूथब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं उन्हें बनाने में भी नायलोन का यूज किया जाता है, पेंट ब्रश के जो आगे वाले ब्रिस्टल्स हैं उन्हें बनाने में भी नायलोन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वूल ब्लेंडेड विद नायलोन इज वेरी यूज्ड टू मेक सॉक्स, मतलब कि नायलोन का यूज सॉक्स बनाने में, सूट्स बनाने में और कारपेट्स बनाने में भी किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल, क्लॉथ बनाने में भी, साड़ी शर्ट या फिर नेकटीज, ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज यूज फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ मशीन, मशीन के पार्ट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, लाइक वॉशर्स या फिर पुले। देखिए ये क्या है, एग्जांपल दिए हैं इन्होंने, नायलोन की साड़ी है, नायलोन शर्ट या फिर नेकटी, टेक्सटाइल प्रोडक्ट मेड फ्रॉम नायलोन, नायलोन से मिलने वाली प्रोडक्ट है। दो टाइप हम पढ़ चुके हैं सिंथेटिक फाइबर के, रेयन एंड नायलोन। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पॉलिएस्टर। देखिए पॉलिएस्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मोनोमर क्या है एस्टर और पॉलीमर क्या है पॉलिएस्टर। इट इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट ऑफ ऑर्गेनिकल केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। तो एस्टर आर केमिकल्स दैट गिव फ्रूटी स्मेल, एस्टर ऐसे केमिकल्स हैं जिससे हमें फ्रूटी स्मेल आएगी। देखिए टेरिलिन, टेरिन एंड डेक्रोन आर सम एग्जांपल ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर। टेरिलिन फॉर्म टेरिकोट व्हेन मिक्स्ड विद कॉटन, टेरिलिन क्या करते हैं जब कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है तो ये टेरिकोट फॉर्म करते हैं, और टेरी वूल व्हेन मिक्स्ड विद वूल, टेरी वूल कब बनता है जब हम टेरिलिन को वूल के साथ मिक्स कर देते हैं तो क्या बनेगा टेरी वूल। पॉलिएस्टर कैन बी ड्रोन इनटू वेरी फाइन फैब्रिक दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। देखिए पॉलिएस्टर क्या है, कैन बी ड्रोन इनटू वेरी फाइन फाइबर, इसे हम फाइन फाइबर बना सकते हैं जब हम इसे मतलब यार्न की तरह वोवन करते हैं। पॉलिएस्टर क्या है, लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, अब्सॉर्ब लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर और क्विकली ड्राइज हो जाते हैं वॉशिंग के बाद, एंड रिंकल फ्री। और ये क्या है, रिंकल फ्री मीन्स इसके ऊपर जो कपड़ों पे निशान पड़ जाते हैं या फिर जिसे हम बोलते हैं कि कपड़े जैसे प्रेस करते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, बट ये वाले जो कपड़े हैं पॉलिएस्टर के ये इस तरह से खराब नहीं होते। यूजेज ऑफ पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर फाइबर आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग साड़ी, साड़ी बनाने के लिए हम पॉलिएस्टर का यूज करते हैं, और कहाँ यूज किया जाता है, सेल्स और सेल्स बोट बनाने में यूज किया जाता है, और इट इज यूज फॉर मेकिंग वाटर होसेस फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशंस, मतलब कि वाटर होसेस में इसका यूज किया जाता है, कन्वेयर बेल्ट बनाने में यूज किया जाता है, और टेरिकोट का यूज किया जाता है शर्ट्स बनाने में, ट्राउजर बनाने में, और टेरी वूल का यूज किया जाता है सूट्स बनाने में। तो ये कुछ यूज थे देखिए पॉली, पीईटी क्या है, पॉलीथीन टर्थैलेट, ये क्या है, पॉलिएस्टर की ही फैमिली का एक कंपाउंड है। बॉटल्स मेड ऑफ पीईटी, जो बॉटल्स तैयार की जाती हैं ऑयल के लिए, वाटर के लिए या सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, वो पीईटी से की जाती हैं। और पीईटी आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक क्लॉथ, जो क्या है, पीईटी से जो क्लॉथ बनेगा वो इजी टू वॉश होगा और रिंकल फ्री होगा। लास्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर का टाइप है एक्रिलिक फाइबर। एक्रिलिक फाइबर इज सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम अ पॉलीमर कॉल्ड पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल से जो फाइबर तैयार किया जाता है वो क्या है, एक्रिलिक फाइबर। ये क्या है, लाइट वेट है, सॉफ्ट है और वॉर्म है वूल की तरह, और इट कैन बी डाइड विद डिफरेंट कलर, और इसे हम अलग अलग कलर में डाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ एक्रिलिक फाइबर,
द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब कि जो हमें नेचुरल सोर्स से वूल मिलती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी. वेयर एज क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्राइलिक फाइबर आर रिलेटिवली चीप, बट एक्राइलिक फाइबर से जो वूल प्रिपेयर होगी वो क्या होगी, चीप होगी, सस्ती होगी, इजीली हर कोई उसे परचेज कर सकता है. एक्राइलिक फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग स्वेटर, जिस तरह से वूल का यूज स्वेटर शॉल्स बनाने में किया जाता है उसी तरह से एक्राइलिक फाइबर का यूज भी स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट, जैकेट या फिर कुशन बनाने में किया जाता है. ये क्या है, थिंग्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक फाइबर, शॉल्स एंड कुशंस. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर, रेयन, नाइलॉन, टरिलिन या फिर वूल. देखिए वूल क्या है, नेचुरल फाइबर. पैराशूट फैब्रिक इज मेड ऑफ, जो पैराशूट है वो किससे बनते हैं, आंसर इज नाइलॉन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि सिंथेटिक फाइबर की एडवांटेज क्या है. देखिए अभी हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर की टेंसिल स्ट्रेंथ क्या है, हाई है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी स्टडी करते हैं. अब हमने टेंसिल स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, कुछ हमने अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ ले लिए लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एंड नायलॉन. तो इसमें हमें क्या चाहिए, एक क्लैंप चाहिए, मार्बल चाहिए. और नोट क्या करना है, ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ सेम लेंथ, मतलब कि हमें जो थ्रेड लेने हैं अलग अलग वूल के, सिल्क के, नायलॉन के, सभी की जो लेंथ है और थिकनेस है वो सेम होनी चाहिए. देखिए हमने करना क्या है इस एक्टिविटी में, इस तरह से हमने एक स्टैंड बना लिया और यहाँ हमने एक थ्रेड ले लिया और यहाँ हमने पैन रख दी और इसके अंदर हमने मार्बल डाल दिए. तो ये थ्रेड जो है हम अलग अलग टाइम, मतलब डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट थ्रेड का यूज करेंगे. जैसे मान लो सबसे पहले हमने यहाँ कॉटन का थ्रेड यूज किया, तो हम ये देखेंगे कि कॉटन के थ्रेड को टूटने में यहाँ हमने कितने मार्बल प्लेस करे, मतलब कि कितने मार्बल प्लेस करने से कॉटन का थ्रेड ब्रेक हो गया. उसके बाद जो हमने थ्रेड लिए थे अलग अलग थ्रेड का हम यूज करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा थ्रेड कितने मार्बल प्लेस करने से ब्रेक हो रहा है. जिसमें सबसे ज्यादा मार्बल प्लेस होंगे, मतलब जिसे ब्रेक डाउन होने में सबसे ज्यादा मार्बल लगेंगे, उस थ्रेड की टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होगी सबसे ज्यादा. तो यही एक्टिविटी है टेंसिल स्ट्रेंथ को फाइंड करने की. नेक्स्ट है लो वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, मतलब कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो वाटर को कम अब्सॉर्ब करते हैं. इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी को स्टडी करेंगे. तो हमने क्या है, कॉटन और नाइलॉन का अलग अलग दो टाइप के फाइबर ले लिए, फैब्रिक ले लिए. हमने क्या किया, उन दोनों को गीला किया. देखिए इस तरह से दो मग लिए, एक मग में हमने नायलॉन क्लॉथ को सोक कर लिया और दूसरे में हमने कॉटन को सक कर लिया. उसके बाद हम इन दोनों को सुखा देंगे. जब हम इन्हें सुखाएंगे तो हम देखेंगे कि नायलॉन क्लॉथ जो है वो फास्टर ड्राई हो जाएगा, बट कॉटन क्लॉथ को ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नायलॉन क्लॉथ ने कम वाटर को अब्सॉर्ब किया था और कॉटन क्लॉथ ने ज्यादा वाटर को अब्सॉर्ब किया था, इसीलिए ये लेट, मतलब देर से ये ड्राई होगा और ये पहले हो जाएगा. तो इसका मीन्स क्या हुआ कि नायलॉन ने कम वाटर को अब्सॉर्ब किया इसलिए जल्दी ड्राई हो गया, बट कॉटन ने ज्यादा वाटर को अब्सॉर्ब किया इसीलिए ये थोड़ा लेट से ड्राई होगा. नेक्स्ट है हमारा अब्रेशन रेजिस्टेंस. देखिए मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर हैव ए हाई अब्रेशन, मतलब वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस, मतलब कि जल्दी से ये टीयर नहीं होते. सो क्लॉथ मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल. तो इसीलिए सिंथेटिक फाइबर क्या है, ड्यूरेबल है, मतलब ज्यादा टाइम तक चलने वाले हैं. जैसे कॉटन के क्लॉथ जल्दी टीयर हो जाते हैं, बट सिंथेटिक फाइबर जल्दी से टीयर नहीं होंगे. नेचुरल फाइबर की एब्रेसिव रेजिस्टेंस लो होती है, बट जो सिंथेटिक हैं वो क्या होते हैं, ड्यूरेबल, बट नेचुरल क्या होते हैं, लेस ड्यूरेबल. नेक्स्ट है लेस एक्सपेंसिव. देखिए जो नेचुरल फाइबर हैं वो क्या होंगे, एक्सपेंसिव, बट सिंथेटिक फाइबर क्या होंगे, लेस एक्सपेंसिव और मोर अफोर्डेबल देन द नेचुरल फाइबर.
और फिफ्थ क्या है, गुड इलास्टिसिटी, जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी, गुड होगी, हम उन्हें इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, किसी भी शेप और साइज में हम उसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें सॉक्स का, जो नायलॉन से बनती है, हम उसे किसी भी साइज में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेज क्या हैं। मेल्ट एंड बर्न, देखिए अगर बर्न के केस में देखें तो जो सिंथेटिक फाइबर हैं तो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं और ये श्रिंक हो जाते हैं, जो क्या है स्किन के साथ स्टिक हो जाते हैं। तो ये क्या है इनकी डिसएडवांटेज, तो किचन में काम करते वक्त हमें सिंथेटिक फाइबर का यूज नहीं करना चाहिए। सेकेंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये क्या करते हैं, सोयल पोल्यूशन कॉज करते हैं। थर्ड क्या है, अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग समर, देखिए ये क्या करते हैं, लेस वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, तो गर्मियों में ये कम स्वेट को अब्सॉर्ब करेंगे, तो इसीलिए ये क्या है समर में लेस कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेवलप स्किन प्रॉब्लम, जो सिंथेटिक फाइबर हैं इससे क्या है स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। सिंथेटिक फाइबर में कॉज सम स्किन डिसीजेज इन सम पीपल, मतलब कुछ लोगों में ये क्या करते हैं स्किन प्रॉब्लम को या स्किन डिसीजेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा सिंथेटिक फाइबर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिक का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।